ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 29 अगस्त की श्रीवदान की रिकॉर्डिंग। परमाता पिता चाहते हैं कि हम निश्चय में रहें। पहला जो कि हमने 2 दिन पहले वरदान सुना, अपने पर निश्चय, परमात्मा पर निश्चय, धर्मा पर निश्चय। फिर परमात्मा ने कहा कि करण करावन हार करवाता है सारे काम, तो आप बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाओ। आपको सोचने की जरूरत नहीं, मैं करवा रहा हूँ आपसे कार्य, आप बस मेरे अनुसार चलो। अपनी सोच, अपने बोल, अपना खान पान, अपना व्यक्तित्व, अपनी संकल्पों की शक्ति को प्योर करते जाओ, बस बाकी मैं सब कुछ करा लूंगा। और आज का भी वरदान परमात्मा का उन्हीं चीजों के ऊपर है, असोच बन जाओ, ज्यादा मत सोचो। तो परमात्मा 3 दिनों से हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और परमात्मा को पता है, इसलिए ये वरदान आ रहे हैं। और अगर आप मुरली को सुन रहे हैं तो आपको ये गाइड कर रहे हैं हर दिन। असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। अगर हम बहुत सोचते हैं तो परमात्मा की हम पावर जो है, उनकी जो संकल्पों की गाइडेंस सेट, जिसको हम टेलीपैथिक कहते हैं, कम्युनिकेशन परमात्मा से जो कि मेडिटेशन से आता है, वो हम कर नहीं पाते। और जब हमारा वो कनेक्शन नहीं होता तो हम बहुत सोचना शुरू करते हैं, अब क्या होगा, अब क्या करें, ये ना हो तो ऐसा हो, वैसे हो तो वैसे हो। और परमात्मा कहते हैं बहुत सोच रहे हो, मैंने जब ड्रामा प्लान किया हुआ है ऑलरेडी, मुझको पता है कि ड्रामा में क्या होने वाला है, परमात्मा को पता है, तो हम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वही होकर रहेगा जो परमात्मा ने सोचा हुआ है। हमें बस अपने मन को, बुद्धि को पवित्र रखना है। तो परमात्मा कहते हैं असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, ये सिर्फ सेवा के लिए नहीं है, ये आपके खुद के घर परिवार को चलाते समय भी आप सोच सकते हो, कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। तो परमात्मा कहते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, जो सेंटर्स में रह रहे हैं, जो भाई बहन सेवा में लगे हुए हैं, उनकी वो ये फीलिंग अगर आ जाए सेवा कैसे बढ़ेगी, अरे ये वीडियोस लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं इस पे लाइक्स आएंगे नहीं आएंगे इस वीडियो पर जो मैं वरदान देते 2 साल से करते आ रहा हूँ, लोग उसको सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये क्वेश्चन आना। कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी, कितना भाग दौड़ करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे लोगों को समझाएं कि बस कलयुग का अंत का समय आ चुका है, परमात्मा को याद करो, पवित्र बनो, जाने का टाइम आ गया है। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती, क्यों, क्या, कैसे, बिकॉज हमारी जो मन बुद्धि है वो कलयुग में आकर के बहुत सोचती है, और ज़्यादातर डाउट्स, क्वेश्चन मार्क्स, क्यों, क्या, कैसे, इन चीज़ों में ज़्यादा जाती है। तो परमात्मा कहते हैं असोचता बनो, तब जा करके तुम्हें मेरी गाइडनेस मिलेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखो। अगर हम ही सब कुछ सोचेंगे तो फिर परमात्मा को हम अगर बोलते हैं भगवान गाइड करो, और हम खुद ही सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये हम अपने ही सोच के अगेंस्ट जा रहे हैं कि हे प्रभु गाइड करो, और एक जगह हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो फिर हमने जो परमात्मा से या भगवान से या पिता परमात्मा से बोला कि प्रभु गाइड करो, और फिर खुद ही सोचना शुरू कर दिया है, तो फिर कैसे चलेगा ये, राइट? परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मेरी गाड़ी में बैठ चुके हो तो मुझे गाड़ी चलाने दो ना। तुम अगर मेरी गाड़ी में बैठ करके तुम स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के चलाओ, अगर ऐसे नहीं ऐसे करे तो ऐसे नहीं ऐसे करे तो ऐसे नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ, एक्सीडेंट तो होना ही है, गलत चॉइसेस होनी है, गलत लोग मिल रही है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि असोच बन बुद्धि को फ्री रखो, तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करावन हार है, कराने वाला कौन है, परमात्मा है, और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। अगर आपके पास में कोई सेवा स्थान है जो आप बना रहे हैं, अगर आप सेंटर में हैं या कहीं पर भी हैं, गीता पाठ चला रहे हैं, तो कराएगा कौन, कैसे होगा, लोग कैसे आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, कितनी अच्छी क्वालिटी की आत्मा है, ये सब कुछ छोड़ो। परमात्मा कहते हैं बस आगे बढ़कर चलो, असोच बनो। इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। अगर हम सोचने में लग जाएंगे तो हमारे बुद्धि में दुनिया भी बातें बहुत चलेंगी, भौतिक बातें चलेंगी, तो परमात्मा भूल जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो होगा कैसे, कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या कहाँ से होगा, धन संपत्ति कहाँ से आएगी, सेवा कैसे होगी, लोग कहाँ से आएंगे, ये छोड़ दो मुझ पर, तुम असोच बन जाओ। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती जो असोच होते हैं। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ कोई चिंता नहीं। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, अगर आपको डाउट है कि हमारा कुछ बिगाड़ेगा, कुछ गलत करेगा, ये हमारे साथ में व्यक्ति, ये यहाँ पर मौसम ठीक नहीं है, मौसम कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो परमात्मा कहते हैं तुम असोच नहीं हो, तुम गलत चॉइस कर रहे हो, गलत टाइम पे गलत चीज़ कर रहे हो, और वहाँ पर तुम शुभ चिंतन के द्वारा नहीं चल रहे हो, तो मेरी मदद तुम्हें मिल नहीं सकती है। लेकिन अगर तुम घृणा, नफरत, आलस्य, अवेलापन कर रहे हो, और औरों के प्रति तुम गलत संकल्प रख रहे हो, तो वो और तुम्हें वो वापस देंगे, बूमरैंग जैसे,
आपने जो भेजा है वही उनकी तरफ से वापस आएगा। तो परमात्मा कहते हैं क्यों ना तुम उनको दुआएं दो ताकि वो तुम्हारे लिए विघ्न स्वरूप ना बने, वो तुम्हें सहयोगी बन जाए तुम्हारा। तो ये सब कुछ हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी और प्रैक्टिस करते हैं कि हम सब कुछ फेस करते हुए हम शुभ चिंतन रखें अपने प्रति भी और के प्रति भी, और ये कहें कि हमारी विजय हुई पड़ी है और सब कार्य हुआ पड़ा है, परमात्मा हमसे सेवा करवाएगा, सेवा हुई पड़ी है। कैसे, कहाँ, कब, कौन, वो बाबा जाने, परमात्मा जाने। अपने आप को ये कह करके लाइट बनाते जाएं बार बार। ओम शांति।